हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो सारी टेक्निक्स के बारे में, वो सारी स्ट्रेटजी के बारे में जो पुलिस जो है अपनाती है किसी भी आरोपी को जो है पकड़ने के लिए। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा न्यूज चैनल्स में कि जब भी कोई केस हाईलाइटेड होता है, पुलिस जो है अगर कोई आरोपी फरार है तो उसको जो है कुछ दिन के अंदर जो है, चाहे वो कोई भी स्टेट में जाके छुपा हुआ हो, उसको ढूंढ के निकाल लेती है। तो ये होता कैसे है? क्या पुलिस के पास कोई ऐसा जादुई मंत्र है जिससे जो है वो किसी को पकड़ लेती है? तो ऐसा नहीं है, उनकी जो है खुद की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। क्योंकि मैंने जो है पुलिस के साथ में जो है 2 से 3 साल जो है काम किया है, इसलिए मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि पुलिस जो है कैसे काम करती है। क्योंकि केस हमेशा स्टार्ट होते हैं पुलिस स्टेशन से, इसलिए जो है पुलिस के साथ में मैंने काफी काम किया है। वहां पे मैंने सीखा है कि कैसे जो है FIR रजिस्टर करती है पुलिस, या किसी केस को डिले करती है, या इन्वेस्टिगेशन करती है, और कभी कभी अपने दायरे से बाहर जाके कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें जो है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुई है, उसी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पुलिस कौन कौन सी जो है टेक्निक्स या स्ट्रेटेजीज का उपयोग करती है। यहाँ पे जो है पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट करना होता है तो हमें जो है CRPC के सेक्शंस में जाके देखना पड़ता है कि प्रोसीजर क्या है किसी को भी अरेस्ट करने का। तो हम यहाँ पे CRPC की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करें पर्सनल लेवल पे पुलिस जो है क्या क्या स्ट्रेटेजीज को अपनाती है ताकि वो किसी को अरेस्ट करे। देखिए, सबसे पहली चीज होती है, अगर कोई आरोपी भागा हुआ है तो पुलिस को जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर कहीं पे कोई घटना हुई है तो वो घटना में कौन कौन शामिल हो सकता है उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये इंफॉर्मेशन इनको देते हैं इनके जो इंफॉर्मर होते हैं, जिनको ये लोग मुखबरीर भी कहते हैं, टिपर भी कहते हैं, जिनसे इनको टिप्स मिलती है। तो ऐसी अलग अलग नामे से इनको जाना जाता है। आप जानते हैं ये इंफॉर्मर या टिपर या मुखबर ये कौन होते हैं? तो देखिए, ये वो लोग होते हैं जो या तो खुद एक क्रिमिनल होते हैं, किसी केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और क्योंकि पुलिस इनको जो है जिम्मेदारी देती है कि ठीक है तुम मुझे जो है इंफॉर्मेशन यहाँ की ला के दोगे तो मैं जो है तुम्हारा जो केसेस है उसमें ऐसा करूंगा कि तुम्हें जो है सेफ साइड में रहो। तो उस मजबूरी में जो है ये पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि खुद बचे रहे और पुलिस को जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे। या फिर ये जो है वो लोग होते हैं, बेरोजगार लोग होते हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है या फिर बहुत मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो ये कुछ थोड़ा पैसा कमाने के लिए, कमीशन खाने के लिए जो है ये पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, और इन रिटर्न जो है पुलिस इनको कुछ कमीशन देती है, चाहे वो पैसा दे या कोई शराब दे या कोई और ऐसी कोई चीज दे जो उनको चाहिए। इसके अलावा ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी जो है पुलिस के साथ में सेटिंग है, सेटिंग इन दी सेंस के मीन्स विन विन सिचुएशन है कि पुलिस को भी फायदा है, इनको भी फायदा है। ये खुद के जो है खुद दो नंबर का कुछ काम करते हैं, और क्योंकि पुलिस इनको डिस्टर्ब नहीं करे, पुलिस को जो चीज में केस में मदद चाहिए होती है ये पुलिस को उसमें हेल्प करते हैं। तो इनको जो जो इन्फॉर्मेशन मालूम होती है या नहीं भी मालूम होती तो ये इन्फॉर्मेशन निकाल के पुलिस को देते रहते हैं। तो ये तो हो गए इन्फॉर्मर। पुलिस को जब भी किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है तो वो अपने जितने भी इन्फॉर्मर या टिपर होते उनको एक्टिव कर देती है। आप सपोज कीजिए कि आपके परिवार में किसी की कोई घटना हुई है और आपको पता भी नहीं है कि आपके आसपास अगर कोई स्वीपर झाड़ू लगा रहा है या कोई नौकर आपके घर पे आ रहा है या कोई आपके यहाँ पे भीख मांगने आ रहा है, वो पुलिस का इन्फॉर्मर हो सकता है। इवन आपके पड़ोसी भी पुलिस के इन्फॉर्मर हो सकते हैं। तो कोई भी जो है पुलिस का इन्फॉर्मर हो सकता है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। आपको खबर नहीं होगी कि वो कौन है, लेकिन वो आपकी सारी बातें सुनते रहते हैं। आप अगर डिस्कशन भी कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ में कि अपने मेंबर को बचाने के लिए या उसको कहीं और भेजने के लिए, या अगर आप फोन पे बात करें, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सुन के पुलिस को बता देता है कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और उसी की मदद से, वही इन्फॉर्मेशन की मदद से पुलिस जो है फिर उस आरोपी को अरेस्ट कर लेती है। ये हुई एक इनका करने का तरीका, काम करने का तरीका। दूसरा होता है इनका कि ये जो है फिर टेक्नोलॉजीज की इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजीज का मतलब हुआ कि अगर सपोज कीजिए कहीं पर घटना हुई है,
तो सबसे पहले ये जो है वहां का सीसीटीवी फुटेज को चेकआउट करेंगे कि उस उधर एरिया में जो है कोई कैमरा लगा हुआ है या नहीं है, और अगर कैमरा है तो उसकी फुटेज निकालेंगे। तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इनको इंफॉर्मेशन की जो है इंफॉर्मर स्कीम, तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इनको जो है उस आरोपी की जो है पहचान भी हो सकती है, या घटना में कौन कौन शामिल था, या कोई डाउटफुल इंसान उनको नजर आता है तो उसके बेसिस पे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी इनकी स्ट्रेटेजी होती है ये चीज। तीसरी इनकी स्ट्रेटेजी होती है वो हो जाती है रिवर्स इन्वेस्टिगेशन। अब रिवर्स इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि ये चीजों को पीछे से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कोई अगर घटना हुई है तो ये रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जिसके साथ हादसा हुआ है वो कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी किसके साथ दुश्मनी है या किसके साथ दोस्ती है, या लास्ट उससे किसने बात की थी, या लास्ट उसने किससे बात की थी, या फिर जो है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये लोग रिवर्स से जाते हैं, मतलब पीछे से जाते हैं, घटना के बाद से नहीं, घटना के पहले से ये लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। तो एक जो है इससे जो है इनको मदद मिलती है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जब उनको पता चल जाए कि हाँ इसकी जो है इस आदमी के साथ दुश्मनी थी, तो उस आदमी को फिर अरेस्ट किया जाता है या फिर उसको जो है पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, और उसकी मदद से जो इनको इन्वेस्टिगेशन से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तीसरा है वो है विटनेस। विटनेस मतलब सपोज कीजिए किसी केस में जो है चार पांच आरोपी जो है इन्वॉल्व है, उसमें से दो भाग गए, तीन भाग गए और एक पकड़ा गया या दो पकड़ा गए, तो जो दो या एक पुलिस के हिरासत में आए हैं, पुलिस उनको जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, उनसे जो है पूछताछ करती है और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालती है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ हमारा ये साथी है या ये लोग यहाँ पे रहते हैं या यहाँ जा सकते हैं, उसकी मदद से ये जो है फिर उस आरोपी को पकड़ती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि पुलिस आपके जो है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए साइबर सेल की हेल्प लेती है। साइबर सेल की हेल्प का मतलब होता है कि आपका जो फोन है पुलिस उसकी लोकेशन निकलवाती है कि आपका फोन कहाँ है, या फिर जो है आपने लास्ट कहाँ पे अपना फोन बंद किया था, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के फोन टैप किए जा सकते हैं, या उनको जो है हैक किया जा सकता है कि उसमें जो है किसके फोन आ रहे हैं, या कौन उनसे बात कर रहा है, या कोई अननोन नंबर से भी फोन आ रहा है, या वो किसी से क्या बात करे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। इसके बाद होता है कि पुलिस जो है किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो जो है आसपास के जो है एरिया है उसमें नेटवर्क जो है वहां की जो है ये जांच करती है। जब कभी बम ब्लास्ट के केसेस होते हैं तो जिधर एरिया में बम ब्लास्ट हुआ होता है उस एरिया में बम ब्लास्ट से पहले कितने जो है नेटवर्क एक्टिवेट थे, मीन्स क्या किसके जो है मोबाइल फोन एक्टिवेट थे और वो फोन में क्या बात चल रही थी, या फिर जो है वहां पे कोई ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, ये उसको फिर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसकी मदद से जो है कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये सब जो होते हैं बहुत ही हाई लेवल जब मैटर्स होते हैं या सेंसिटिव मैटर्स होते हैं ये तब जो है पुलिस ऐसी हेल्प लेती है। नॉर्मल जो केसेस होते हैं उसमें जो है पुलिस अपने इन्फॉर्मर से और विटनेस से सीसीटीवी फुटेज से इससे ही इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, लेकिन जब कोई मैटर ऐसा आता है जो हाईलाइटेड है या बहुत ज्यादा प्रेशर है उसमें जो है ये फिर जो है अलग अलग टेक्निक के जो है इस्तेमाल करती है जिससे जो है ये इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन इसमें भी जो है आपका फर्क होता है कि क्योंकि जो बैकवर्ड एरिया में पुलिस स्टेशन होते हैं या फिर जो पुलिस स्टेशन सिटीज में नहीं है तो वहां पे जो ये सब फैसिलिटीज नहीं होती है, वहां पे जो है कोई मोबाइल को हैक करने का, जांच करने का ये सब कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती है। इसके लिए जो है बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, उनके पास जो है उनके जो हेडक्वार्टर में ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो अगर पुलिस को अपनी मदद चाहिए, पुलिस को ऐसा लगता है कि इस केसेस में जो है हमें मोबाइल की मदद लेनी होगी, तब जो है ये उस मोबाइल का आईडी नंबर नंबर जो भी होता है वो एप्लीकेशन के साथ जो है सबमिट वहां पे हेडक्वार्टर में करवाते हैं। अब हो सकता है वो हेडक्वार्टर जो है इनके जो पुलिस स्टेशन है उससे काफी दूर हो सकता है या पर्टिकुलर स्टेट में हो सकता है, ये लोग रिमोट एरिया में विलेज में है, तो ये वहां पे भिजवाते हैं, वहां से जो अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर इनको सप्लाई होती है।
तो एक रास्ता ये है। दूसरा है कि पुलिस जो है अपने जो भी जब भी कोई आरोपी भागता है तो वो कहाँ भाग सकता है, वो एरिया के जो है पुलिस जो है अपने जो है हेडक्वार्टर्स को बता देती है। वो हेडक्वार्टर जो है अपने जितने भी क्षेत्र में जितने भी थाने पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, ये उनको जो है इन्फॉर्मेशन पास आउट कर देती है कि कोई भी ऐसा डाउटफुल बंदा इस एज का, इस रंग का, इस हाइट का आपको नजर आए तो आप जो है उसको अरेस्ट कीजिए, ताकि वो जो है आरोपी है पर्टिकुलर केसेस में वो वांटेड है। तो ये भी करती है पुलिस। प्लस इनके जो इन्फॉर्मर होते हैं वो जो होते हैं हमेशा जो है नजर रखते रहते हैं, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए होती है, तो वो हमेशा जो है हर जगह पे अपने जो भी एरिया में रहते हैं वहां पे घूम के जो है नजर रखते रहते हैं। आपने काफी लोग को देखा होगा जो दिन भर कुछ नहीं करते, खाली घूमते रहते हैं, तो वो इसीलिए जो है घूमते हैं मोस्टली, क्योंकि वो इन्फॉर्मर होते हैं, वो हर जगह जांच कर रहे होते हैं कि किधर क्या चल रहा है। अगर सपोज कीजिए कहीं पे जो है सीक्रेटली कोई जो है 2 नंबर का काम कर रहा है, 2 नंबर बिजनेस कर रहा है, तो ये जो है उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, ढूंढ ढूंढ के, घूम घूम के पता चल जाता है इनको, या फिर लोगों से बातचीत करते रहते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, वो आदमी कौन है, तो इसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकलवा के पुलिस को दे देते हैं। या फिर इनकी सिटी में या इनके एरिया में कोई ऐसा बंदा आता है जो इनके जान पहचान का नहीं है या जो बाहरी बंदा है, तो ये उनको अगर डाउट होता है तो ये जो है उसको पीछा करते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और अगर थोड़ा डाउट लगता है तो ये पुलिस को जाके बताते हैं कि देखिए आपके एरिया में ये एक बंदा आया है, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। फिर पुलिस जो है उसकी जांच करती है और पता करती है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको अरेस्ट करके दे दिया जाता है। तो ये सारी जो है टेक्निक्स हैं जो पुलिस जो है पर्सनल लेवल पे जो है इस्तेमाल करती है एक किसी भी अपराधी को या किसी को जो है आरोपी को पकड़ने के लिए। ये सारी टेक्निक एट प्रेजेंट में तो है पुलिस कर रही है, हो सकता है फ्यूचर में और ज्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो सकता है जिस टाइम में आप फ्यूचर में ये वीडियो देखें तब तक पुलिस की और स्ट्रेटेजी जो है चेंज हो गई हो। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है या हमें पता चलती है तो हम जो है डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे। लेकिन एक और जो है पुलिस आज की डेट में करती है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई मोबाइल है या फिर कोई लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है और आप सोचते हैं मैंने अपनी जितनी भी फाइल्स थी, जो भी सीक्रेट फाइल थी, डाउटफुल फाइल थी, उनको जो है मैंने डिलीट कर दिया और पुलिस जो है उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी, तो ऐसा नहीं है। पुलिस जो है इतने ज्यादा आज के डेट में उनके पास सॉफ्टवेयर है कि वो 1 सेकेंड में जो है आपका सारा डेटा रिकवर कर लेगी, जो आपने डिलीट किया है वो भी, जो आपका था वो भी, प्लस आज से 1 साल पहले भी अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कोई डाटा था ये उसको भी जो है निकाल लेगी। तो जो है ये रिट्रीव करना इनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आज के डेट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। एक रीजेंट जो है आपको स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक क्लाइंट मेरा जो है वो जो है उसका एक जगह पे वो काम करने जाता है जो कि एक इलीगल कॉन्ट्रैक्टर होता है। वो वहां पे जो है पहला दिन जब जाता है उसी दिन में जो है वहां पे पुलिस की जो है सीबीआई की स्पेशल टीम की जो है रेड पड़ती है और सारे बंदों को अरेस्ट किया जाता है। प्लस वो लोग ने जो है अपनी सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया था। पुलिस जो है उनके सामने ही अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वहां पे उसमें डालती है और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर वहां पे डालती है उनकी सारी फाइल्स जो उनकी आंखों के सामने ही जो है वापस सब जो है आपकी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है आज की डेट में कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी हाई लेवल जो एजेंसीज होती हैं उनके पास होती है। नॉर्मल जो आपके पुलिस स्टेशन होते हैं या रिमोट एरिया में जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनके पास नहीं होती है। उनको अगर किसी केस में जो है ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो ये जो इनके हेडक्वार्टर में जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है ये वहां पे जो है रिक्वेस्ट भेजती है। या फिर किसी का मोबाइल इन्होंने अगर जब्त किया है और इनको लग रहा है उस मोबाइल में जो है कुछ ऐसा डेटा हो सकता है, एविडेंस हो सकता है, तो ये जो है उसको फॉरेंसिक के पास भेजती है। फॉरेंसिक जिसको बोलते हैं, डेटा एनालिसिस को बोलते हैं, या जो है आपका डेटा रिकवर करता है या फिर पोस्टमार्टम करता है, एक तरह से ये समझिए, तो वो फॉरेंसिक टीम के पास भेजी जाती है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड जो है वो इस फील्ड में काम करता है तो उसकी मदद से हमें पता चला है कि ये जो है उनका काम होता है कि जितने भी डेटा आते हैं, मोबाइल्स आते हैं, लैपटॉप आते हैं, तो उसका जो है पूरे डेटा को सही सलामत जो है इनका निकाल के देना, यही इनका काम होता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी टेक्निक्स के बारे में जो है हर लोग जो है नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि पुलिस जो है खाली पूछताछ करके ही अरेस्ट करती है। लेकिन ये सारी बहुत आउटडेटेड जो है आपको नॉलेज है,
एट प्रेजेंट जो है पुलिस बहुत हाई लेवल में काम करती है और सरकार भी जो है ये सारी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा अपडेटेड कर रही है हर जगह पे हर क्षेत्र में, ताकि क्राइम को रोका जा सके, लोगों को जो है अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको कैसे भी करके जो है अरेस्ट किया जा सके जल्द से जल्द, ताकि देश में जो है उनके एरिया में जो है शांति बनी रहे। तो आप देख सकते हैं पुलिस के जो है ये सारी जो है टेक्निक्स है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं khandaman537@gmail.com पे, या फिर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस लोगों जो वीडियो को जो है लोगों को शेयर करें, ताकि उनको जो है ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, सावधान रहें, और जितना हो सके कोई भी क्राइम कोई भी जुर्म से जो है आप दूर रहें। आज के लिए थैंक यू।